डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड, अब जो नृत्य का जो दिन था वो नजदीक, नृत्य पार्टी का दिन था वो नजदीक आ गया। एंड मैम लोएसेल सीम्ड सैड, और मिसिज जो लोएसेल थी वो उदास दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब्ड, थोड़ी दुखी थी, अनएक्सियस, चिंतित थी। नेवरलेस फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उसको एक शाम को बोला, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, तुम बड़ी अजीब व्यवहार कर रही हो फॉर टू और थ्री डेज, दो और तीन दिन से बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने आंसर दिया, आई एम वैक्स्ड, मैं दुखी हूँ, एंड नॉट टू हैव ए ज्वेल, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ, कुछ भी नहीं है मुझे अपने आप को सजाने के लिए, विद आई सेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और मेरी तो जो हालत होगी, मेरी लुक जो होगी वो बिल्कुल ही गरीबी से पीड़ित जो है एक ऐसी लुक होगी, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। तो फिर वो कहती है कि मैं तो यही प्रीफर करती हूँ, मुझे तो यही बात समझ में आती है कि मैं पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने उसको उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम कुछ प्राकृतिक जो फूल हैं उनको पहन सकती हो अपने आप को सजाने के लिए, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक चिक, होता टिप टॉप और फैशनेबल, कहता है भाई इस सीजन में वो बहुत फैशनेबल लगेंगे, तुम टिप टॉप लगोगी। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो नहीं मानी, वो सहमत नहीं हुई। नो सी रिप्लाइड, उसने बोला नहीं, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव ए सेबियर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन, और कहती है कि इससे ज़्यादा जो है लज्जित होने वाला कुछ नहीं होगा कि एक रिच महिलाओं के बीच में मैं ऐसा सब कुछ डाल के जाऊंगी और वो अपने आप में क्या होगा, मुझे शर्मिंदा करने वाला होगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और तभी उसके पति जो है पति एकदम से चिल्लाते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, वे अपनी तुम जो तुम्हारी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर उनके पास जाओ, एंड आस्क हर, उसे मांगो टू लैंड यू हर ज्वेल्स, क्यों तुम्हें वो अपने ज्वेल्स जो है उधार दे दें। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जो, वो खुशी से चिल्ला उठी, इट इज ट्रू, हाँ ये सच है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने आप को अपनी फ्रेंड के घर ले गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, रिलेट करना होता बताना वर्णन करना, और उसने अपनी जो दुखी दुख की जो कहानी थी वो उसको बताई अपनी फ्रेंड को। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, और मैम फॉरेस्टियर जो अपनी कोठरी में गई, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और वहाँ से एक बड़ा ज्वेलरी का जो है कि डब्बा लेके आई, ब्रोट इट, उसको लाई, ओपन इट, इसको खोला, एंड सैड, और कहा, चूज माय डियर, इसमें से चुन लो मेरी मेरी प्रिय। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, शुरू में उसने कुछ कंगन देखे, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, तभी मोतियों की कॉलर देखी, देन अ वैनिटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर वैनिटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेशन वर्कमैनशिप, और इसके ऊपर जो ज्वेल्स का जो काम था, जो कारीगरी थी, वो बहुत ही प्रशंसा के लायक थी। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने वो जो ज्वेलरी थी वो शीशे के सामने पहन के देखी, हेजिटेटेड, थोड़ी हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन ना तो वो उनको लेने का निर्णय कर पा रही थी और ना ही उनको छोड़ने का निर्णय कर पा रही थी, यानी कि वो कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी डिसीजन नहीं कर पा रही। देन सी आज तक उसने पूछा, Have you nothing more? क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? Why? क्यों? Yes, look for yourself. वो कहती है उसकी फ्रेंड कि तुम अपने आप देख लो। I do not know what will please you. मैं नहीं जानती तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। Suddenly she discovered in a black satin box. तभी अचानक से उसने देखा एक काले satin के box में a superb necklace of diamonds. एक बहुत अच्छा diamond का necklace देखा। Her hands trembled. उसके हाथ जो है काँप रहे थे। As she took it out, जैसे उसने इसको बाहर निकाला, she placed it about her throat, उसने इसको अपने throat गले के चारों तरफ रखा, against her dress, अपनी dress के साथ match करते हुए, and was ecstatic, और ये एकदम बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। Then she asked in a hesitating voice, और फिर उसने थोड़ी हिचकिचाते हुए संकुचाते हुए आवाज़ में पूछा, full of anxiety और पूरी उल्लास के साथ पूछा, could you lend me this, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, only this, केवल ये। Why? क्यों? Yes, certainly, हाँ, निश्चित रूप से। She fell upon the neck of her friend,
और जैसे उसकी फ्रेंड ने उसको हाँ भरी तो वो क्या उसकी गर्दन से चिपक गई, यानी गर्दन के ऊपर गिर गई। उसके एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, पूरी भावना भावुक होते हुए उसको गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वो अपने खजाने के साथ यानी कि अपने उस डायमंड हार के साथ जो है वापिस आ गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, यानी कि नृत्य पार्टी का जो दिन था वो पहुंच आ गया। मैम लोएसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लोएसेल को बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिली, यानी कि वो बहुत सफल हुई। सी वॉज द प्रैक्टिस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर थी, एलिगेंट शानदार थी, ग्रेसियस शानदार थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वो पूरी मुस्कुरा रही थी और पूरे खुशी में थी। ऑल द मैन नोटिस्ड, सभी लोगों की उस पर नजर गई। आस्क्ड हर नेम, सभी ने उसका नाम पूछा। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मतलब परिचय करना, और उसके साथ वो परिचय करना चाहते थे सभी मैन। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड, वो पूरे नशे में और पूरे जोश के साथ वो डांस कर रही थी। विद प्लेजर, पूरी खुशी के साथ, थिंकिंग ऑफ नथिंग, और कुछ भी वो सोच नहीं रही थी, सिर्फ क्या सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, यानी कि उसकी जो वहाँ प्रशंसा हुई थी सिर्फ वो उस प्रशंसा के बारे में सोच रही थी, और वो बहुत खुश थी, पूरे इंटॉक्सिकेटेड यानी कि एक नशे में वो नाच रही थी। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसकी ये जो जीत थी वो बिल्कुल अपने आप में कम्प्लीट थी, परफेक्ट थी, पूर्ण थी और बहुत अच्छी थी, उसके दिल को बहुत अच्छी लग रही थी। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो अपने घर की तरफ 4 बजे सुबह निकली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लिप इन वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस मिडनाइट, उसके पति एक छोटे से सैलून में जो है आधी रात से हाफ अस्लिप यानी कि अर्ध निद्रा में थे। विद 3 other gentlemen, 3 अन्य भद्र पुरुषों के साथ थे। हुज वाइव्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी अपने आप में जो है इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब कहता है उसके हस्बैंड ने क्या 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 किया। He threw around her shoulders, उसने उसके कंधों के चारों ओर the modest wraps, यानी कि जो हल्का सा जो लपेटने का जो था शॉल वगैरह था वो उसके कंधों पे डाल दिया। They had carried, जो वो लेके आए थे, whose poverty, जिसकी गरीबी जी जो है वो भिड़ गई यानी कि टकरा गई। किसके साथ? विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो नृत्य जो कॉस्ट्यूम थी उसके साथ जो है वो उसकी गरीबी जो टकरा गई, यानी कि जो रैप, जो मॉडस्ट रैप उन्होंने उसके उस कंधों पे रखा था। तो सी विश टू हरी अवे, और इसलिए उसको बहुत उसकी इच्छा थी कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन, ताकि कोई दूसरी औरत उसको नोटिस ना कर पाए, उसको देख ना पाए इस रैप में। Who were wrapping themselves in rich furs, क्योंकि जिन औरतों उन दूसरी औरतों ने तो अपने आप को अमीर जो है फर में अपने आप को जो लपेट रखा था। लोएसेल डिटेन्ड हर, लोएसेल ने जो है उसको रोकने की कोशिश की। वेट, रुको, सैड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब को बुला रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने उसको सुना नहीं और वो जो स्टेप्स थे यानी कि सीढ़ियों से वो सिगरदा से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो किसी एक गाड़ी की तलाश में जो है तलाश शुरू कर दी उन्होंने। हेलिंग, पुकारते हुए द कोचमैन, गाड़ीवान को बुला पुकारते हुए, हेलिंग होता पुकारना। हुम दे सा एट ए डिस्टेंस, जिसको उन्होंने एक दूरी पर देखा था। They walked along towards the river, hopeless and shivering. वे जो है नदी के साथ साथ जो है hopeless यानी कि निराशा में और कांपते हुए चलने लगे। Finally, अंत में they found one of those old carriages, और फिर अंत में उनको एक पुरानी गाड़ी मिल गई। That once is in Paris after nightfall, जिसको कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद ही देख सकता है। It took them as far as their door, ये उसको वहाँ तक ले गई जहाँ उनका दरवाजा था। एंड दे वेंट वियरली अप, और वो बड़े थके हुए जो ऊपर चले गए। टू देयर अपार्टमेंट, अपने घर में। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके हस्बैंड के साइड से, ही रिमेम्बर्ड, उसको याद था दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, अब यानी कि उसको याद था कि उसको सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना है। सी रिमूव द रैप्स, उसने अपना जो लपेटा हुआ कपड़ा था उसको उतारा। हर शोल्डर्स, अपने कंधों से। बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू, क्योंकि वो आखिरी बार अपने आप को देखना चाहती थी।
ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, यानी कि वो अपनी शानदार कॉस्ट्यूम में, शानदार कपड़ों में, अपनी जो शानदार जो लुक थी उसको एक बार आखिरी बार अपने शीशे में देखना चाहती थी। सडनली सी अटर्ड आकराए और अचानक से उसकी चीख निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था उसकी गले के चारों तरफ नहीं था, यानी कि उसके गले में नहीं था। लोजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब जो लोसेल था जो पहले से ही उसने अपने आधे कपड़े उतार चुका था, अनड्रेस हो चुका था। आस्क्ड उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। सी टर्न टुवार्ड्स हिम एक्साइटेडली, और बड़ी उत्तेजिकता से जो है उसकी तरफ मुड़ी और कहती आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर नेकलेस, और फिर वो बताती है कि मेरे पास मैम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो बड़ी निराशा के साथ उठा। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उन्होंने जो ड्रेस की तह थी, फोल्ड्स होता है तह, यानी कि ड्रेस की तहों में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि जो चोगा लबादा जो था उसकी तह में देखा। इन द पॉकेट्स, जेबों में देखा। एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने ढूंढा। दे कुड नॉट फाइंड इट, वो इसको नहीं ढूंढ पाए। ही आस्क्ड, उसने पूछा You are sure you still had it when we left the minister's house? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे वो तुम्हारे पास ही था। फिर वो लड़की कहती है Yes, हाँ, I felt it as we came out, हाँ मैंने इसको महसूस किया था जैसे हम बाहर आए थे। But if you had lost it in the street, यदि तुमने इसको गले में खो दिया होता तो we should have heard it, तो हमें इसकी आवाज़ सुनी होती। Heard it fall, यानी कि इसको गिरते हुए हमें सुना होता। इट मस्ट बी इन द कैब, ये जरूर कैब में गिरा होगा। फिर वो कहती है यस इट इज पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब का नंबर लिया है। वो कहता है नो, एंड यू, क्या तुमने लिया। डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने इस पे ध्यान दिया ये क्या नंबर था। वो कहता है नो। दे लुकड एट इच अदर अटरली कोस्ट डाउन, वे दोनों एक दूसरे को बड़ी शर्मिंदगी से जो है देखने लगे। फाइनली अंत में लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, उसने अपने आप को फिर से ड्रेसअप किया, यानी कि अपने कपड़े पहने दोबारा से। फिर कहता आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पे, वेहर वी वेंट ऑन, जहाँ हम चले थे, फुट यानी कि ऑन फुट, जहाँ पैदल चले थे, टू सी, ये देखने, इफ आई कैन फाइंड इट, देखो मैं देखने जाता हूँ कि कहीं मुझे ये मिलता है या नहीं मिलता है। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने इवनिंग के गाउन में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सो सके। टुवार्ड 7 o'clock, यानी कि 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, यानी कि 7 o'clock जो है उसके पति वापस लौटते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गए। एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब का जो ऑफिस थे वहाँ पे गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड, और उन्होंने उसने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर्स के अंदर और इनाम का भी ऑफर किया। सी वेटेड ऑल डे, उसने पूरा दिन इंतजार किया। इन ए स्टेट ऑफ बिवल्डरमेंट, हैरानी की स्थिति में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक तबाही से पहले, लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग। अब लॉयसेल जो है उसके हस्बैंड जो है शाम को वापस आते हैं। इस फेस पेल, उसका जो चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कहता है कि तुम अपनी दोस्त को लिखो और बोलो कि तुमने हार का जो जोड़ है वो टूट गया है तुमसे, ऑफ द नेकलेस, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, और फिर तुम्हें ये रिपेयर करके, ये ठीक करवा के तुम इसको वापस करोगे। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें क्या था वो समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने ऐसा ही लिखा जैसा उसको बताया गया था। डिक्टेट करना होता है बोलना, जैसा उसको बोला गया था वैसा ही उसने लेटर में लिखा। एट द एंड ऑफ ए वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी अपनी आशाएं खो दी थी। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, और जो लॉयसेल था अब वो 5 वर्ष बूढ़ा दिखाई दे रहा था। डिक्लेयर, और उसने ये घोषणा की वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें ये दूसरा ज्वेल लाना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द प्लेस रॉयल की दुकान में गए। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उन्होंने डायमंड्स की जो है हार जो उनको दिखाई दिया। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और जो उनको बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40
1000 francs और इसकी जो कीमत थी वो 40,000 francs थे। दे कुड गेट इट फॉर 46,000 और वो इसको 36,000 में खरीद सकते थे। लोएसेल पोजेस्ट 18,000 francs, अब लोएसेल के पास 18,000 जो है फ्रैंक्स थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट और बाकी बचे हुए उसने उधार ले लिए। ही मेड रूनेस प्रोमिसेज, उसने अपने विनाशकारी जो है वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, जो है उसने यूजर्स होते हैं साहूकार, जो सूदखोर भी बोल सकते हैं, जो ब्याज पे पैसे देते हैं। अब उसने क्या किया, जो साहूकार थे उनसे पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, जो पैसे देने वाले यानी कि सूदखोर जो थे उन सभी से उसने उधार पैसे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब वो एक नया नेकलेस खरीदने के लिए गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, यानी कि जो मर्चेंट का काउंटर था उस पर 36,000 जो फ्रेंक्स उसने डिपॉजिट किए। वैन मैम लोएसेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टर, जब मिसिज लोएसेल जो है ज्वेल्स लेके मिसिज फॉरेस्टर मैम फॉरेस्टर के पास गई। द लेटर सेड टू हर, तो मैम फॉरेस्टर ने उसको कहा टू हर इन ए फ्रिज्ड, एक फ्रिज टोन में, कर्कश आवाज में उसको बोला, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, तुम्हें ये जल्दी मुझे लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत हो सकती थी। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉरेस्टियर ने जो ज्वेल का बॉक्स था उसको खोलकर नहीं देखा। मैम लोएसेल फियर्ड सी वुड, जबकि जो मैम लोएसेल थी उसको डर था कि वो ऐसा करेगी, खोल के देखेगी। वट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, उसको वो क्या सोचेगी यदि उसको परस्यू यानी कि उसको पता चल जाता है अदला बदली का, अगर उसे पता चल जाता, सब्स्टिट्यूशन होता है अदला बदली, अगर उसको अदला बदली का उसका पता चल जाता तो वो क्या सोचती। वट वुड वट शुड सी से उसको क्या वो क्या कहती। वुड सी टेक हर फॉर ए रोबर, रोबर क्या वो उसको चोर समझती। अब ये सब बातें कौन सोच रही है, वो मैम मिसिज लोएसेल सोच रही है। मिसिज मैम लोएसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मिसिज जो लोएसेल थी उसको एक आवश्यकता का जो जीवन है उसकी जो हॉरिबल जो है यानी कि उसकी हॉरिबलिटी जो है उसको पता चल गई थी, यानी कि उसकी भयानकता का पता चल गया था। भाई जो आवश्यकता का जीवन होता है उसकी क्या भयानकता होती है, अब उसको पता चल गया था। सी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली, लेकिन जबकि उसने अपना जो रोल था वो बहुत ही अच्छे से यानी कि एक हीरोइकली रूप से जो है उसने निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और कहता हूँ ये जरूरी भी था कि ये फ्राइटफुल, ये दुखी जो भयानक जो कर्जा था उसको चुकाना भी जरूरी था। सी वुड पे इट, और वो उसको चुकाएगी भी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपने नौकर को भेज दिया यानी कि नौकर को हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना रहने का स्थान बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एटिक यानी कि अटारी में कुछ रूम्स जो है रेंट पे ले लिए। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, उसने जो घृणित जो रसोई घर के जो कार्य थे वो करने सीख लिए। उसने घृणित जो कार्य थे वो करने सीख लिए। सी वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोती थी। सी वॉश द सोल्ड लिनन, यानी कि मिट्टी से यानी कि गंदे कपड़े धोती थी। देर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, और तस्त्रियों के कपड़े धोती थी, अपने कपड़े भी धोती थी खुद। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जो वो लाइन में सुखाती थी सूखने के लिए। सी टुक डाउन द रिफ्यूज, वो जो कूड़ा करकस था उसको टू द स्ट्रीट गली में लेके जाती थी इस मॉर्निंग हर सुबह। एंड ब्रोट अप द वॉटर स्टॉपिंग एट इस लैंडिंग, और पानी लेके आती थी रुकते हुए। टू कैच हर ब्रीथ, सांस लेने के लिए वो रुकती भी थी। एंड क्लोथ लाइक ए वीमेन ऑफ द पीपल, यानी कि वो अपने आप को ऐसे ड्रेस ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे जो साधारण औरतें पहनती हैं। सी वेंट टू द ग्रोसर्स द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट, वो ग्रोसर यानी कि परचूनी की दुकान पे और कसाई की दुकान पे और जो फ्रूट की दुकान पे जो है अपनी बास्केट अपने हाथ में लेके जाती थी। आम शॉपिंग खरीदने के मोल भाव करते शॉपिंग करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और वो जो है मोल भाव करती थी
अपने बहुत कम पैसे के लिए अपना जो उसका मिजरेबल जो यानी कि जो दुखदायी जो पैसे होते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मोल भाव करती थी। 100 होता है एक पैसे की यहाँ पे, जो 100 बहुत थोड़ा पैसा होता है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और उसका पति जो शाम को भी काम करता था, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी कि जो मर्चेंट्स होते थे उनके पैसे उनकी बुकों को वो एक क्रम में रखते थे। एंड नाइट्स, और रात में ही ओफन डिड कॉपिंग एट 500 ए पेज, और रात को जो है 500 में जो एक पेज को जो वो कॉपी करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार का जो जीवन है उनका 10 साल तक चलता है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल खत्म होने के बाद, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, यानी कि उन्होंने सारा जो हिसाब किताब था वो चुकता कर दिया। रिस्टोर कर देना होता चुका देना, उन्हें सारा अपना कर्जा चुका दिया। मैम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैम जो लोइजल थी वो बिल्कुल बूढ़ी दिखाई देती थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक स्ट्रॉन्ग और कठोर औरत बन चुकी थी। द क्रूड वुमेन, अब वो सुंदर नहीं रही थी। क्रूड होता है मतलब ज़्यादा सुंदर ना होना, यानी कि अब वो सुंदर नहीं रही थी। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, गरीब घर में हो गई थी वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बुरी तरह से ड्रेस्ड होते थे। हर स्कर्ट्स एवरी, एवरी होता है सिलवटे पड़ना, उसकी जो स्कर्ट्स थी उसमें सिलवटे पड़ी होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब वो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स, पेल्स होता है बाल्टी, और बड़ी बड़ी बाल्टियों से अपना फर्श धोती थी पानी की बाल्टियों से। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, जब उसके पति ऑफिस में होते थे, सी वुड सीट हरसेल्फ, वो अपने आप बैठ जाती थी बिफोर द विंडोज, खिड़की के सामने। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, और उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती थी। वो फॉर्मर टाइम्स, जो कभी पहले हुई थी। ऑफ दैट बाल, उस नृत्य पार्टी के बारे में वो सोचती थी। वेहर सी वो सो ब्यूटीफुल, जहाँ इतनी सुंदर थी। एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ उसकी इतनी प्रशंसा हुई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वो फिर वो सोचती है कि कैसा होता यदि उसने अपना नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कितने अकेला जीवन होता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेज, और जीवन जो है वो कितना परिवर्तनों से भरा हुआ। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, कहता है कि एक छोटी सी चीज भी हमें बर्बाद कर सकती है, और एक छोटी सी चीज, कहता है, सेव वन, और एक छोटी सी चीज हमें बचा भी सकती है। वन संडे, एक संडे को, एज सी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द कैंपस, एलिसिस जब वो टहल रही थी एलिसिस के कैंपस में, टू रीड हरसेल्फ, अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए। ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, यानी कि पूरे सप्ताह की केयर्स, यानी कि थकावट से अपने आप को जो है छुटकारा दिलाने के लिए, जब वो अपने आप टहल रही थी, सी सडनली परसीव्ड ए वुमैन, उसने अचानक से एक औरत को देखा, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, ये मैम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग, जो अभी भी नौजवान थी, स्टिल प्रिटी, जो अभी भी सुंदर थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी जो आकर्षक थी। मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड, मैम लोइजल उसको देख के अफेक्ट, उसको प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, और वो सोचती है क्या उसको उससे बात करनी चाहिए। फिर वो अपने आप से कहती है यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने उसको पैसे भी चुका दिए हैं। सी वुड टेल हर ऑल, अब वो उसको सब कुछ बताएगी, वाई नॉट, क्यों नहीं बताएगी। सी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जीन, और उसको क्या बोला, जीन गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, रिकॉग्नाइज करना होता है पहचानना, उसकी दोस्त ने उसको पहचाना नहीं। एंड वो एस्टोनिश्ड, और वो हैरान थी, टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक साधारण से पर्सन औरत के द्वारा जो है इस प्रकार से इतना फैमिलियर जो उसको जो संबोधन किया गया था उसकी वजह से वो हैरान थी। सी स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैडम आई डू नॉट नो, लेकिन मैडम मैं तो तुमको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुम्हें जरूर कोई गलती हुई है। वो कहती है नो, नहीं, आई एम मटिल्डा लोइसल, मैं मटिल्डा लोइसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी जो फ्रेंड थी वो एकदम से हैरानी से चिल्ला उठी, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी कैसे बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, कहती है हाँ, मेरे कुछ बुरे दिन शुरू हुए थे जब से मैं तुमसे पिछली बार मिली थी। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ बहुत दुखदायी दिन थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और कहती है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर उसकी फ्रेंड कहती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, वो कैसे।
कहती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो तुमने मुझे मिनिस्टर मंत्री की जो नृत्य सब पार्टी में जो है नाच जाने के लिए जो तुमने मुझे उधार दिया था वो नेकलेस का तुम्हें याद है? वो कहती है यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल अच्छा, आई लॉस्ट इट, मैंने इसको गुम कर दिया था। हाउ इज दैट, वो कैसे? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, लेकिन तुमने तो मुझे लौटा दिया था। फिर वो कहती आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कहते मैंने ये तुम्हें दूसरा लौटाया था जो बिल्कुल वैसा ही था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसमें मुझे हमें 10 साल लग गए इसका इसको चुका इसकी कीमत चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम ये बात समझ सकती हो दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि ये इतना आसान नहीं हमारे लिए। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं होता, बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं अब बहुत अच्छे से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, मैम फॉरेस्टियर जो थी उसकी फ्रेंड वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। सी सैड, फिर उसने कहा यू से, तुमने कहा दैट यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा मेरे को चेंज करने के लिए। वो कहती है यस हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तब तुमने इसको नहीं देखा था। देवर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल वैसे ही थे। एंड सी स्माइल्ड, और वो जो है सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो थोड़ी खुशी के साथ और जो है प्राउड के साथ वो जो है मुस्कुराई। मैम फॉरेस्टियर वॉज टस्ट, यानी कि मैम फॉरेस्टियर जो है वो दिल से उसका दिल जो है छुआ गया। टस्ट एंड उसको टुक बोथ हर हैंड्स, और उसको उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। एज सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा नकली जो डायमंड थे दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, यानी कि वो 500 franc से ज़्यादा कीमत के भी नहीं थे, वर्थ कीमत। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।